ब्राजील में विमान हादसे में 62 लोगों की जान चली गई। एयरलाइंस को वापस लेस का पुराना विमान राज्य के कास्कवेल से साओ पाओ के ग्वालास में रह गया और 58 यात्री मौजूद थे और 5 क्रू मेंबर्स के सदस्य शामिल थे, जबकि विमान का मलबा गिरने से घर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। राष्ट्रपति लुइस नास लूदर सिल्वा ने हादसे पर दुख प्रकट किया और विमान हादसे क्यों हुआ उस पर भी जानकारी सामने आने पर गौर किया। अभी तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और मामले को लेकर बहुत ही दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस हादसे में 62 लोगों की जान चली गई। क्रू सहित 62 लोग सवार थे, जबकि विमान के हादसे के वीडियो सामने आए हैं। विमान गिरते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के तुरंत बाद ही आसमान में काले धुएं के गुब्बारे दिखने लगे और नीचे शत विशत हालत में शव पड़े दिखे। एक घर को भी काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए ज़रा, हवा में कागज़ की तरह लहराता हुआ विमान नीचे आकर चूर चूर हो गया। घर में किसी के भी घायल होने की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिरकार विमान हादसे का सत्य कारण क्या था। विमान का जो वीडियो सामने आया है उससे साफ दिखता है कि कितना दर्दनाक हादसा था। कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि विमान किस तरह से हवा में गोल गोल चक्कर काटने लगा और इसके बाद वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया और तेज़ी से ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन की ओर बढ़ने से आग लगी, जिससे प्लेन टकरा कर बिखर गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई और एयरलाइंस वो वापस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि की गई। विमान में करीब 62 लोगों की जान चली गई है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।